डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दत्ता एमएससी स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में जानेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है, जिसे हम लोग पाइथागोरस त्रिक, ट्रिपलेट्स का मीन हो गया त्रिक। तो इसको समझते हैं कि ए ट्रिपलेट एम एन पी ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स एम एन एंड पी इज कॉल्ड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ़ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि ये अगर एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये ए बी सी है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये क्या है कि एम है और बी सी का लेंथ एम, ए बी का लेंथ हो गया एन और ए सी जो है वो पी। तब हम लोग ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो हम लोग जानते हैं कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर होता है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के क्षेत्र में। अगर फिर इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कि पी को यहाँ, एम को यहाँ, एन को यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये क्या है कि दो नंबर का स्क्वायर करके अगर सम करते हैं तो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होते हैं। तो ये इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एम का मान जो है वो एक से बड़ा है, एम का मान जब एक से बड़ा हो जाएगा तो 2m और एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर प्लस वन, ये तीन नंबर होगा जो ट्रिपलेट होगा। जैसे आप लोग एक नंबर के सहारे समझ सकते हैं, जैसे 3, 4, 5, क्या ये ट्रिपलेट है या नहीं, यानी पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है कि नहीं, इसे हम लोग समझेंगे। तो 3, 4, 5 यानी आप 3 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कर लीजिए, ये अगर 5 के स्क्वायर से बराबर हो जाएगा तब ये तीनों क्या है, ये तीनों नंबर ए बी सी या एम एन पी ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे कि 3 का स्क्वायर यानी 9 और ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल टू ये हो जाएगा 25, इधर क्या होगा 25 इक्वल टू 25, तो ये दोनों साइड इक्वल है, तब हम लोग कह सकते हैं कि 3, 4, 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। लेकिन फिर अगर एक नंबर मान लिया हम लोग 3, 4 और 7 है, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, नहीं ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ये नहीं होगा, क्योंकि 3, 3 जा 9 हो गया, 4, 4 जा 16 और ये हो गया 49, तो इसको जोड़ दीजिए 25 इज नॉट इक्वल टू 49, ठीक है। यानी इसको कह सकते हैं हम लोग कि ये तीनों जो नंबर है वो ट्रिपलेट नहीं है। इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, इस नंबर को हम लोग इसको 4² + 7² = 3² वो भी नहीं होगा। तो ये जो 2m एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, देखिए ये समझ गए कि 3, 4, 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे कि 3² + 4² = 5² तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए ये 2m एम स्क्वायर माइनस वन और m प्लस वन को हम लोग कैसे करते हैं, कि हम लोग जानते हैं कि एक आइडेंटिटी है यानी सर्व समीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लोग लिखेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये होगा, इसके बराबर होगा। कैसे होगा, आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये निकल गया। अब राइट साइड में देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके साथ क्या करना है प्लस 4ab ऐड कर देना है, तब क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसके साथ ये बराबर हो गया, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे भी देखिएगा तो ये भी फिर यहाँ भी इसको अगर ऐसे लिखिएगा, देखिए ए स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर
यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2a² b² ये लेफ्ट साइड निकल गया। अब राइट साइड में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2b इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4a² b² इससे अगर ये घटा देंगे तो यही ना आ जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a² b² प्लस b² का स्क्वायर। ठीक है, यानी इस आइडेंटिटी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a बराबर m पुट कर देंगे और b बराबर 1 पुट कर देंगे। a का मान m रखेंगे और b का मान 1 रखेंगे। जब a का मान m रखेंगे तब क्या हो जाएगा, इसको देखिए, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इधर हो गया। अब ये यहाँ क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा प्लस 2ab। 2ab का मतलब क्या हो गया 2m × 1 यही आ जाएगा। जब इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे तब ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2m। तीनों जो है ये 1, 2, 3 यही ट्रिपलेट है 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग फिर इसका दो केस है, केस को समझते हैं। अब देखिए, जब ये ट्रिपलेट जो नंबर है त्रिक नंबर है कि इफ़ m एंड p आर 3 नेचुरल नंबर विथ m एज द स्मॉलेस्ट ऑफ देम। ट्रिपलेट जो है वो 3 नंबर नेचुरल नंबर का ट्रिपलेट होता है। कंडीशन क्या होता है वो पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि क्या होगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर होगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2m। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दो सिचुएशन है कि इफ m इज ऑड, m अगर ऑड नंबर है तो सम ऑफ अदर टू नंबर इज a स्क्वायर होगा एंड देयर डिफरेंस इज 1। ठीक है, ये डिफरेंस 1 होगा और दोनों का जो सम होगा वो a स्क्वायर होगा। दूसरा कंडीशन क्या है कि m अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तब क्या हो गया होगा कि अदर जो दो नंबर है वो ए स्क्वायर बाई 2 होगा, दो नंबर का सम होगा एंड डिफरेंस भी 2 होगा, इसको याद रखना है। तो देखिए यहाँ कुछ ट्रिपलेट नंबर दिया गया है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 10, 24, 26। तो देखिए यहाँ कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये ट्रिपलेट है कि नहीं, तो ये जो दो केस यहाँ लिखा गया है ये दो केस को देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि ये नंबर ट्रिपलेट है या नहीं। जैसे 6, 7, 8 को आप ले लीजिए, तो इन तीनों नंबर में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6 आपका सबसे छोटा नंबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहा है कि 6 जो नंबर है वो क्या है, ऑड है या इवन है, ये 6 ये इवन नंबर है, 6 क्या है ये इवन नंबर है। जब 6 इवन नंबर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा कि सम ऑफ अदर टू नंबर इज ए स्क्वायर बाय 2, यानी दोनों का सम कर दीजिए 7 + 8 इजिकल टू क्या हो जाएगा 50। तो ए मतलब क्या होगा यहाँ 6, आप इसको अगर ए से समझने में आपको दिक्कत लग रहा है तो इसको कर लीजिए एम स्क्वायर और इसको भी कर लीजिए एम स्क्वायर। ठीक है, तो एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर बाय 2 यानी एम का मान कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर बाय 2, मतलब हो जाएगा 6, 6 + 36/2 इसको कैंसिल कर दीजिए 18 होगा। और क्या होगा, देयर डिफरेंस इज 2। अब दोनों नंबर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा 8 - 7 = 1। तो देखिए ये जो कंडीशन है कि इफ m इज इवन, सम ऑफ अदर टू नंबर्स इज m स्क्वायर बाय 2 एंड देयर डिफरेंस इज 2, ये यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, ये इस कंडीशन में नहीं आ रहा है। क्योंकि 6 को अगर हम इवन नंबर मान लेते, 6 अगर इवन नंबर है और 6, 7, 8 ये ट्रिपलेट है तो ये ट्रिपलेट नंबर नहीं है। अब ट्रिपलेट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं कि ट्रिपलेट नंबर क्या क्या है, 2m है और m स्क्वायर प्लस 1 है
और एम स्क्वायर माइनस वन है, तो हम लोग मान लेंगे सिक्स, सिक्स सबसे छोटा नंबर है, तो टू एम इज इक्वल टू सिक्स मान लेंगे, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिक्स बाय टू, यानी एम का मान हो गया थ्री, यानी एम इक्वल टू थ्री। अब देखिए एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर प्लस वन करेंगे तो एम का मान हो जाएगा थ्री, थ्री का स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू नाइन, प्लस वन इज इक्वल टू टेन, और क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू नाइन माइनस वन इज इक्वल टू एट। अब देखिए ये नंबर क्या हो गया, ये ट्रिपलेट नंबर हो गया सिक्स कॉमा एट कॉमा टेन, ठीक है, ये सही ट्रिपलेट नंबर है, जबकि यहाँ था सिक्स सेवन एट, ये ट्रिपलेट नंबर नहीं है। कैसे नहीं है ट्रिपलेट, देखिए अब देखिए ये नंबर हुआ कि नहीं, सिक्स का स्क्वायर यानी थर्टी सिक्स है, यहाँ निकाले थे हम लोग कहाँ, थर्टी सिक्स बाई टू यानी एट्टीन, ये तो ठीक है। अब क्या है, दोनों का डिफरेंस टेन माइनस एट, टेन माइनस एट मतलब क्या हो जाएगा, टेन माइनस एट इज इक्वल टू टू हो जाएगा, तब क्या है ये फॉलो हो रहा है। और देखिए इसको भी जोड़ लीजिए, एट प्लस टेन यानी एट्टीन, तो इवन नंबर में भी हम लोग इसको जांच सकते हैं। जैसे ये थ्री क्या है, इवन नंबर है, इसमें जांच लीजिए, फोर प्लस फाइव नाइन हो गया, नाइन मतलब थ्री का स्क्वायर, एम स्क्वायर हो गया, और फाइव और फाइव से फोर माइनस कर दीजिए तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये कंडीशन अगर हम लोग को याद रहेगा तो कोई भी नंबर अगर ट्रिपलेट नंबर अगर दिया रहे तो हम लोग आसानी से जांच के कह सकते हैं कि ये ट्रिपलेट है या नहीं है। तीन नेचुरल नंबर दिया हुआ है वो ट्रिपलेट है या नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, आइए आइए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 18, एक नंबर नेचुरल नंबर दिया हुआ है 18, इससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर को लिखना है। तो हम लोग जानते हैं कि फॉर एनी नेचुरल नंबर m, m इज ग्रेटर देन वन, तब क्या हो जाएगा 2m, m स्क्वायर माइनस वन, m स्क्वायर प्लस वन एज ए एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी कोई भी नेचुरल नंबर के लिए m अगर नेचुरल नंबर है और m इज ग्रेटर देन वन है तब 2m, एम स्क्वायर माइनस वन, एम स्क्वायर प्लस वन एस पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। तो देखिए ये नंबर दिया हुआ है 18, जब 18 है तो हम लोग मान लेते हैं हेयर हेयर 2m इज इक्वल टू 18, तब m इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 बाय 2 कैंसिल कर दीजिए तो m इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए एम स्क्वायर माइनस वन निकालना है, तो जब एम स्क्वायर माइनस वन निकालेंगे तो एम का मान कितना हो जाएगा, एम का मान नाइन पुट कर देंगे, नाइन स्क्वायर माइनस वन यानी 81 माइनस वन इज इक्वल टू 80, तब क्या हो गया एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 80 निकल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है एम स्क्वायर प्लस वन, तब क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन जब करेंगे तब एम का मान कितना हो गया, नाइन का स्क्वायर प्लस वन, नाइन का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 81 प्लस वन इज इक्वल टू 82, यानी एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 82। तो देखिए तीनों नंबर हमारा निकल गया, एक तो नंबर पहले से दिया हुआ था 2m इज इक्वल टू 18, तब ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 18 80 और 82 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, हम लोग इसके पूर्व में जो केस देखे थे वो केस के हिसाब से हम लोग मिलान कर लिए। 18 क्या है, ये इवन नंबर है, तो 18 जब 18 ये क्या है 18 इज ए इवन नंबर, तब 18 जब इवन नंबर है तब क्या हो जाएगा ये दोनों का इसका क्या हो जाएगा डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा 82 माइनस 80 यानी डिफरेंस हो जाएगा 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा ये दोनों का सम कितना हो जाएगा
दोनों का सम हो जाएगा, देखिए 80 प्लस 82 इज इक्वल टू 162। फॉर्मूला क्या होगा, एम स्क्वायर बाय 2। तो एम स्क्वायर मतलब क्या हो गया, यहाँ 18 का स्क्वायर निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 18 का स्क्वायर हम लोग अगर करते हैं ये 324 बाय 2, इसको कैंसिल कर दीजिए 362। तो एम स्क्वायर बाय 2 यानी कितना हो गया 162। देखिए इस ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये पाइथागोरियन ट्रिप्लेट नंबर को निकाल सकते हैं। अगर कोई नंबर आप लोग को दिया रहे पाइथागोरियन ट्रिप्लेट निकालने के लिए, तब क्या हो जाएगा, वो सबसे पहले उसको हम लोग स्मॉल नंबर मान लेंगे, 2m मान लेंगे, और m का मान निकालते हुए m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 का मान निकाल लेंगे। अगर कह देगा कि ट्रिप्लेट नंबर में वो सबसे लार्ज नंबर है, बड़ा नंबर है, तब m स्क्वायर प्लस 1 करके पहले हम लोग m का मान निकाल लेंगे, उसके बाद m स्क्वायर माइनस 1 और 2m का मान निकाल लेंगे। तो ऐसे ही आप लोग पाइथागोरियन ट्रिप्लेट जो है नंबर आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स को समझ गए होंगे, और आप लोग आपके किताब में दो चार सवाल इसका इस ढंग का होगा, या एग्जांपल में भी दो चार सवाल होगा, आप लोग अपने से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को पाइथागोरियन ट्रिप्लेट जो नंबर है 3 नंबर निकालने में आप लोग को सुविधा हो, और आप लोग आसानी से निकाल सके। और वो अगर 3 नंबर आप लोग को दिया हुआ रहे, तो वो 3 नंबर आप लोग वो पाइथागोरियन ट्रिप्लेट है या नहीं, इसका भी जांच आप लोग कर सके। तो आप लोग मेरे वीडियो अगर पसंद आए, तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कॉमेंट भी कर दीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।